अब काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। अब आपको दिखाते हैं कि क्या कहता है मथुरा का गौरवशाली इतिहास, कैसे औरंगजेब, गजनवी और साथ ही साथ सिकंदर लोदी ने कन्हैया के शहर को बर्बाद करने का प्रयास किया। ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों की गवाही देने वाली ये रिपोर्ट। मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। 5000 साल पहले द्वापर युग में विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म इसी स्थान पर हुआ, कंस के कारागार में हुआ। कृष्ण यहीं पैदा हुए, ब्रज की रज में खेल कर बड़े हुए। 84 कोस की ब्रज यात्रा में हर कोने पर कन्हैया की बाल लीलाओं के सबूत आज भी मौजूद हैं। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि ईदगाह मस्जिद के नीचे आज भी वो तहखाना मौजूद है जिसमें सैकड़ों साल पुराने राज छिपे हैं, जिसका सच हर कोई जानना चाहता है। दावे कई हैं, लेकिन पुख्ता तथ्यों के साथ सच आज हम आपको बताते हैं। काशी के बाद मथुरा सबसे ज्यादा देश में सुर्खियों में बना हुआ है। मथुरा के अंदर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। जो मंदिर इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये विशाल मंदिर श्री कृष्ण जन्म भूमि मंदिर है। ठीक इसके पीछे की तरफ जो है वो शाही ईदगाह है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट की शरण में गया है। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि उसे पूरा मालिकाना हक मिले, इसकी लगातार वो मांग कर रहा है। जिस जगह पर आज कृष्ण जन्म स्थान है, वो 5000 साल पहले मल्लपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। पहली बार श्री कृष्ण जन्म स्थान पर कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने मंदिर बनवाया था। दूसरी बार 400 ईस्वी में सम्राट विक्रमादित्य के शासन में भव्य मंदिर बनवाया गया। मथुरा हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक था, इसलिए जब भी विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर हमले किए तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारी सांस्कृतिक विरासत को पहुंचा। साल 1018 में सबसे पहले महमूद गजनवी ने मथुरा पर हमला किया, मंदिर को तोड़ा और सब कुछ लूट लिया। गजनवी ने जब मथुरा पर हमला बोला तो उसकी सेना में आला ओहदे पर अल उत्पी मौजूद था, जिसने श्री कृष्ण मंदिर के वैभव का अद्भुत वर्णन अपने किताब में किया था। अल उत्पी ने महमूद गजनवी की जंगों पर एक किताब लिखी जिसका नाम था तारीखे यामिनी। इस किताब में अल उत्पी ने लिखा है, मूर्ति वाले मंदिर के दोनों तरफ 1000 घर थे। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मंदिर था। उसके सौंदर्य का वर्णन करना असंभव था। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस मंदिर के विषय में इस प्रकार कहा है, अगर इस मंदिर के बराबर कोई दूसरी इमारत खड़ी करने के बारे में कोई सोचे तो उसे कम से कम 1000 सोने के गुलाबी दिनार खर्च करने होंगे। अगर बहुत अनुभवी शिल्पकार और मजदूर लगाए जाएं तो भी इसे बनाने में कम से कम 200 साल लगेंगे। वहां गुलाबी सोने की 5 गज ऊंची 5 मूर्तियां थीं, जो बिना किसी सहारे के बिना किसी आधार के हवा में स्थापित थी। सभी मूर्तियों की दो दो आंखों में दो दो माणिक लगे हुए थे। अगर कोई इनमें से एक माणिक भी बेच देता तो उसको कम से कम 50,000 दिनार मिलते। वहां एक नीलम पत्थर था जो पानी की तरह पारदर्शी और क्रिस्टल की तरह चमकदार था। उस नीलम पत्थर का वजन 450 मिस्कल था। वहां 200 चांदी की मूर्तियां थीं। बिना उन मूर्तियों को तोड़े उनका वजन करना संभव नहीं था। 10वीं शताब्दी में मथुरा का इतना वैभवशाली इतिहास था जिसे देखकर गजनवी अपना आपा खो बैठा था। मथुरा की खुदाई में मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज्ज नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनवाया था। अब इस अलंकृत द्वार की शाखा को देखिए, जो आज भी मथुरा के म्यूजियम में मौजूद है। ये द्वार पहली शताब्दी का है जिस पर कमल की सुंदर कलाकृतियां बनी है, जो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर खुदाई के दौरान मिला है।
मथुरा में कृष्ण के मंदिर के द्वार स्तंभ के इस तस्वीर को भी गौर से देखिए। ये गुप्त काल की हैं और खुदाई के दौरान श्री कृष्ण जन्म स्थान से प्राप्त हुई। दरअसल ये वैष्णव पद्धति के मंदिर का द्वार है जिस पर माँ गंगा अपने वाहन पर सवार है। और अब ये देखिए भगवान के विश्व रूप की ये खंडित तस्वीर, ये भी गुप्त काल की है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कटरा केशव देव से मिली है, जहां भगवान की जन्मभूमि होने का दावा किया जाता है। इस मूर्ति में नृसिंह की आकृति भगवान के किरीट कुंडल को साफ साफ देखा जा सकता है। आज भी ये सभी अवशेष मथुरा के म्यूजियम में मौजूद हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि मंदिर को कितनी बार तोड़ा गया। पहली बार महमूद गजनवी ने मंदिर को तोड़ा, दूसरी बार सिकंदर लोधी ने मंदिर को तोड़ा और तीसरी बार मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा और उसकी जगह मस्जिद बनवा दी। 16वीं सदी में दो बार जन्मस्थान पर श्री कृष्ण के मंदिर को आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया। जहांगीर के शासनकाल में चौथी बार मंदिर ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया। ऐसा कहा जाता है जब औरंगजेब आगरा से दिल्ली जाता था तो रास्ते में मथुरा पड़ता था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर बना मंदिर इतना भव्य था जिसके किस्से यूरोप तक मशहूर थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।